हाय, अगर आप अपना टेरेस गार्डन सेटअप करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से फ्रूट प्लांट्स अपने गार्डन में लगाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे फ्रूट प्लांट्स जो आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं और कुछ ही सालों में ढेरों फ्रूट्स पा सकते हैं। शुरुआत करने से पहले फ्रूट गार्डनिंग के बारे में कुछ जरूरी जानकारियाँ। सबसे पहले हमें जो फ्रूट प्लांट्स लेने हैं वो ऐसे लेने हैं जो हमारी नेटिव वैरायटीज हैं, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मियाँ भी पड़ती हैं और सर्दियों में टेम्परेचर काफी लो जाता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें सिर्फ नेटिव वैरायटीज ही अपने टेरेस गार्डन पे लगानी चाहिए। नंबर दो, हमारी सॉइल मिक्स वेल ड्रेनिंग और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए। वेल ड्रेनिंग इसलिए क्योंकि हम पॉट्स में अपने प्लांट्स को उगा रहे हैं, और ऑर्गेनिक मैटर में रिच इसलिए क्योंकि फ्रूट प्रोडक्शन प्लांट के लिए काफी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है, इसलिए हमारे मिट्टी के अंदर सारे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। नंबर थ्री, पॉट्स का साइज कम से कम 1.5 फीट लंबाई में और 1 फीट कम से कम चौड़ाई में होना चाहिए। इसके अलावा पॉट्स के अंदर ड्रेनेज होल्स भी होने चाहिए। नंबर फोर, आप अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे प्लेस करें जहां कम से कम 6-7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट प्लांट्स को मिले, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, फ्रूट प्रोडक्शन काफी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है जिसके लिए प्लांट्स को सनलाइट की काफी जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मैंने कौन से 5 फ्रूट्स अपने टेरेस गार्डन पर लगाए हैं। मेरी लिस्ट में पहला प्लांट है जामुन, जो कि नेटिव प्लांट है और ये ग्राफ्टेड वैरायटी है जिसको मैं 1.5 फीट लंबे पॉट में लगाने जा रही हूँ। सॉइल मिक्स जैसा मैंने पहले बताया वेल ड्रेनिंग और ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। मैंने मेरा जामुन का प्लांट रिपोर्ट कर दिया है और अब से कम 2 साल के अंदर इसके ऊपर काफी सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। इन 2 साल में इस प्लांट का स्टेम काफी मैच्योर हो जाएगा, साथ ही इसमें काफी सारी ब्रांचेस भी आ जाएंगी। उसके लिए मुझे टाइमली इस प्लांट को प्रून करते रहना पड़ेगा स्प्रिंग के समय में, ताकि इस प्लांट के ऊपर काफी सारी ब्रांचेस आ सके और फॉलोइंग सीजन में इस प्लांट के ऊपर काफी सारी जामुन भी आ जाएंगी। मेरा दूसरा प्लांट है चीकू का प्लांट, और इसको भी मैं इसी तरह से रिपोर्ट करने वाली हूँ जैसे मैंने जामुन को रिपोर्ट किया था। मैंने प्लांट की जड़ों से चिकनी मिट्टी को हटा दिया है और अब मैं इसको नई सोयल में ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। मेरे चीकू की रिपोर्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मेरा प्लान है कि मैं इसको हर स्प्रिंग से पहले प्रून करूं ताकि प्लांट में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आए, और क्योंकि प्लांट की एज अभी छोटी है तो लगभग 2 साल के अंदर इसके ऊपर काफी सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। हालांकि अभी छोटे फ्रूट्स आए हुए हैं प्लांट के ऊपर, पर रिपोर्टिंग के स्ट्रेस के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रूट्स झड़ जाएंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि इस पे अगले साल ही फ्रूटिंग होगी। तो ये मेरे 2 प्लांट्स हुए। अब हम आते हैं थर्ड प्लांट के ऊपर, जो हर टेरेस गार्डन में होना चाहिए, जो बहुत ही इजी है ग्रो करने के लिए। थर्ड प्लांट जो मेरी लिस्ट में है और जो मेरे टेरेस गार्डन में भी है वो है पोमोग्रेनेट का प्लांट। ये प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया था, इसलिए इसको फ्रूटिंग देने में लगभग 2 साल लगेंगे। अभी 1 साल और बाकी है। अगर आप अपने प्लांट से जल्दी फ्रूटिंग चाहते हैं तो आप एयर लेयर्ड या ग्राफ्टेड वैरायटी लेके आ सकते हैं नर्सरी से, वो आपको लगभग 6-7 महीने में ही फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रूट प्लांट पे, जो की है लेमन। ये मेरा 1 साल पुराना लेमन का प्लांट है। लास्ट ईयर इसके ऊपर ज्यादा फ्रूटिंग नहीं हुई, लेकिन इस साल इसके ऊपर काफी सारे लेमन्स दिख रहे हैं। हर ब्रांच पर लगभग 4-5 लेमन के फ्रूट्स अभी दिखाई दे रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट टिप जो आपको लेमन के प्लांट के साथ करनी चाहिए वो है स्प्रिंग सीजन में आपको इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। साथ ही ग्रोथ पीरियड में आप बोन मील जरूर दें, साथ ही काउडंग मैन्योर भी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके लेमन के प्लांट के ऊपर काफी सारी संख्या लेमन्स की आए, साथ ही उसका फ्लावर ड्रॉप होना भी कम हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने टेरेस गार्डन पे अमरूद का प्लांट लगा सकते हैं, और ये मैंने पिछले हफ्ते ही लगाया है और इसको भी फ्रूट देने में लगभग 1 साल लग जाएगा, शायद नेक्स्ट ईयर तक ये मुझे फ्रूटिंग दे देगा। सो बिफोर आई टेक लीव लेट मी समराइज द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट आई टॉक्ड अबाउट। नंबर 1, हम जामुन का प्लांट लगा सकते हैं। नंबर 2, हम चीकू का प्लांट लगा सकते हैं। नंबर 3, पोमोग्रेनेट। नंबर 4, लेमन। और नंबर 5, गुआवा। ये 5 फ्रूट प्लांट्स न सिर्फ आपके टेरेस गार्डन से आपको ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री फ्रूट्स देंगे, बल्कि आपके टेरेस गार्डन पे बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, जिससे एक पैरेलल इकोसिस्टम डेवलप होगा और माहौल भी काफी खुशनुमा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।